कहानी विक्रम बेताल की। कुसुमपुर नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके नगर में एक ब्राह्मण था, उसके चार बेटे थे। लड़कों के बड़े होने पर ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, वे चारों अनाथ हो गए। इस धरती पर उनका कोई नहीं रहा। सबने मिलकर सोचा तब कोई विद्या सीखनी चाहिए। यह सोचकर चारों चार दिशा में चल दिए। कुछ दिन बाद विचारों फिर मिले, विद्या सीख चुके थे। एक ने कहा, मैंने ऐसी विद्या सीखी है, मरे हुए प्राणी की हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूँ। दूसरे ने कहा, खाल और बाल में चढ़ा सकता हूँ। तीसरे ने कहा, सारे अंग बना सकता हूँ। चौथे ने कहा, मैं जान डाल सकता हूँ। विद्या की परीक्षा लेने के लिए जंगल गए। एक मरे हुए शेर की हड्डियां मिली। उन्होंने उसे बिना पहचाने ही उठा लिया। एक ने मांस डाला, दूसरे ने बाल और खाल, तीसरे ने सारे अंग बनाए, चौथे ने जान डाली। शेर जीवित हो गया और सबको खा गया। ना कहते ही बेताल बोला, राजा बताओ कि उन चारों में शेर बनाने का अपराध किसने किया। राजा ने कहा, जिसने परण डाले। तीनों को पता ही नहीं था कि शेर बना रहे, इसलिए उनका कोई दोस्त नहीं है। इतना कहते ही फिर बेताल पेड़ पर जा लटका। फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी आपको कहानी? ये विक्रम बेताल की कहानी। गुड नाइट।